बताइए कि जितने लोग आपसे लड़े फिर सब आपके आगे झुक गए, वो क्या खास था आपके अंदर? सब ने आपसे लड़ाई लड़ी फिर वो सब इमोशनली जज्बाती तौर पर जुड़ गए शिल्पा से, चाहे वो आकाश हो चाहे वो अर्शी हो, स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग एवरीबॉडी, अच्छाई की बुराई पे जीत। या एक्चुअली सच में माय ऑनेस्टी, आई थिंक मैं सच में अगर जो भी चीज़ कर रही थी, जैसे मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी, माँ वर्ड भी मुझे बोला तो मैंने उस माँ वर्ड का पूरा रिस्पेक्ट रखा कि माफ़ कर देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कुछ रखनी नहीं चाहिए। तो जो भी चीज़ें हुई मैंने कभी मीन नहीं बनी हूँ, मतलब ही नहीं बनी थी, मैंने हर चीज़ में गिव अप किया, तो मुझे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि देवी बन रही है, लेकिन मैं दिल से चाहती थी, मैं दिल से सोचती थी कि ये चीज़ें हो और छोड़ दो उन चीज़ों को लेके बैठने पे, क्योंकि मैं जिस दौर से बाहर गुजरी हूँ तो वो मेरे लिए एक बहुत फ़ायदा हुआ उन सब चीज़ों का, बाहर अंदर मुझे घर के अंदर मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ओके शिल्पा, आई हैव सीन यू नो टफ टाइम आल्सो, यू हैव डन अ पीसी ड्यूरिंग बाबी जी कंट्रोवर्सी एंड ऑल ब्ला ब्ला, देयर बहुत कुछ हुआ और उसके बाद आप यहाँ और सबको बता दिया आपने कि जी दिस इज व्हाट शिल्पा शिंदे इज। और कहीं जब मैं हिना की बात करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि हिना की नेगेटिव सोच उनको ना जीता पाई, क्योंकि वो नेगेटिव ही रही और अर्शी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू शी सेड कि पूरे शो के दौरान वो एक्टिंग करती रही। हर्षी ने बहुत सही पकड़ा है कि सच बोली है बात, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो वही उसने सच बोला, क्योंकि शो के अंदर मुझे कोई साथ नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पर अगर उन्हें सच्चाई बोली है तो वी रियली अप्रिशिएट दोज थिंग्स, क्योंकि हिना का था बहुत नेगेटिविटी थी, हर चीज़ में उसको नुक्स निकालना है, हर चीज़ में निकालना है, कोई चीज़ उसको अच्छी कभी दिखती ही नहीं थी, जैसे जो चला गया उसके बारे में अच्छा बोलती थी, वो जो है उसके बारे में उसने कभी अच्छा नहीं बोला। okay, सलमान बहुत बायस रहे हैं, ये भी हिना का आरोप था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके बारे में कभी अच्छा उसने चीज़ें अच्छी की ही नहीं जो उसके बारे में बोले उसको, हमेशा जो उसने बातें की है उसी के बारे में टोका है, जैसे पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, या बॉडी शेमिंग की बात है, हर चीज़ उसने की है और उसकी उसके ऊपर डांट मिली है उसको। ओके, इसके बाद विकास के साथ आप शो करने जा रही हैं, और आपको लगता नहीं कि पहले चीज़ें शायद आप थोड़ी नादानी रही कि चीज़ें समझ नहीं पाए, आपके मन मुटा हुआ और आप शो करने जा रहे हैं उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नादानी थी या मन मुटाव था, चीज़ें उस तरीके से हुई थी और वो चलती रही, लेकिन हम एक घर में है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना चाहिए, शायद वही एक मौका था, और शो करना मतलब एक टास्क था, उसमें प्रॉमिस लिया गया था तो उस प्रॉमिस को मैं करूँगी, छोटा सा वेब सीरीज़ उसको करना है तो मैं करूँगी डेफिनेटली। ओके, इसके अलावा आपने ये भी कहीं जिक्र किया कि यू वांट टू होस्ट मराठी बिग बॉस, आई वुड लव टू डू दैट। सलमान खान जी का उनकी जगह तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मराठी हूँ तो डेफिनेटली करना चाहूँगी, जैसे मेरा आपने देखा मेरा वही हर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मराठी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन करना चाहूँगी, करना पसंद करूँगी पक्का।